चौराहे स्टेशन पे कौन कौन सा हथियार लेके गया था उसे? सर उसमें हथियार लेके नहीं गए थे, लेकिन तार लेके गए थे, डेमोनेटर लेके गए थे और सब डंडा। इनके घर से एक्सप्लोसिव मिला 2 पीस, डेटोनेटर मिला, 60 मीटर तार मिला, वायर रेड कलर का। जमुई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। चौरा स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले नक्सलियों को बीती रात पुलिस ने टीम बनाकर गिरफ्तार किया। जमुई के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि बीती रात्रि सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लोग आज की रात्रि नक्सली घटना को अंजाम देने वाले हैं। उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल जमुई के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल बनाया गया। छापेमारी दल में अंचल पुलिस निरीक्षक जमुई थाना अध्यक्ष गिद्धौर थाना एसटीएफ जमुई की टीम और एसपी नक्सल सेल शामिल थे। छापेमारी दल ने पूर्व के संदिग्ध तथा चौरा रेलवे स्टेशन मास्टर के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर एक संदिग्ध भैरव यादव उर्फ गोहुमन पिता स्वर्गीय जवाहर यादव पिता छेद लाही थाना गिद्धौर जिला जमुई को ग्राम रामाकुराव गिद्धौर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान भैरव यादव उर्फ गेहूमन के द्वारा बताया गया कि बाकी लोग नक्सली घटना को अंजाम देने के लिए सुनील यादव के घर जमा हुए हैं। उक्त सूचना का सत्यापन करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त भैरव यादव उर्फ गेहूमन के निशानदेही पर सुनील यादव पिता मिठू यादव पता रामा कुराव थाना गिद्धौर जिला जमुई को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार नक्सली भैरव यादव उर्फ गेहूमन और सुनील यादव के निशानदेही पर सुनील यादव के घर से चौरा रेलवे ब्लॉक हाल्ट नक्सल कांड में प्रयुक्त बिंडोलिया टोपी तार डेटोनेटर बैटरी मोबाइल और अन्य संदिग्ध सामानों को जब्त किया गया। दोनों गिरफ्तार नक्सलियों के द्वारा बताया गया कि कुख्यात नक्सली सुरंग यादव के कहने पर ये लोग घटना को अंजाम देने वाले थे। नक्सली सुरंग यादव से अभियुक्त भैरव यादव उर्फ गेहूमन की मुलाकात वर्ष 2019 में जेल में हुई थी। बताइए सुनील कैसे हुआ था? कौन बोला था? सुनील यादव। अच्छा, कहाँ का है सुनील यादव? रामापुरा। ये जो है ही सुनील। हम बोला ठीक है 5,000 रुपये हमको चाहिए तो तुमको स्टेशन को उड़ा देना है। तो हम भी सोचे कि स्टेशन को उड़ाएंगे, वो तो भी मेरा ही आदमी है, तो हम उड़ाए नहीं थे लेकिन धमकी दे के चल आए थे। कौन बोला था तुमको उड़ाने के लिए? ये सुनील यादव। सुनील यादव को कौन बोला था उड़ाने के लिए? ये सब पता नहीं, हमको नहीं पता। पहले भी इस तरह का पैसा बोला था तुमको? 5,000 रुपये। क्या बोला था तुमको? वो बोला कि तुमको जमीन भी होती है, ऐसे 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 करेगा तुमको सब मिलेगा, डर से सब मिलेगा। अच्छा, इसलिए लिपट के चलते हम इसके गैंग में भी शामिल हो गए हैं। अच्छा, और नहीं तो ये लोग ऐसे कभी खाता चोरी करेंगे, कभी कहेंगे मोटर खुलवाएंगे। तो हम बोला चोरी डकैती हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो बोला ठीक है नहीं करेंगे तो ये काम कीजिएगा। ये लोग बालू उलू भी पास कराता है। अच्छा, तो यही चलती ये लोग हमको कुछ पैसा दिया था, अभी इसका कॉन्टेक्ट है लेकिन अभी पकड़ा है, वो भाग दिया रहा था। पहले भी कभी पैसा दिया? कौन कौन काम किया तुम? हम सर पहले बार हम किए थे, रंगदारी किए थे। कहाँ? अपने ही गांव में। अच्छा, तो हमको सर फंसा दिया, हम मांगे नहीं थे पैसा उसमें, लेकिन हमको बाउली मुखी हमको फंसा दिया जमीन का। अच्छा, चौरा स्टेशन पे कौन कौन सा हथियार लेके गया था सर? उसमें हम हथियार लेके नहीं गए थे, लेकिन तार लेके गए थे, डेमोनेटर लेके गए थे और सब डंडा लेके गए थे। क्या योजना था आप लोग का? कितने लोग थे तुम लोग? हम सर हम गए थे वहाँ पे एक आदमी। इस संबंध में विस्फोटक पदार्थ रखने और नक्सली हमले की तैयारी की योजना बनाने के संबंध में लक्ष्मीपुर गिद्धौर थाने में कांड दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने बताया कि इन्हीं लोगों के द्वारा नक्सली बंद के दौरान चौरा रेलवे ब्लॉक हाल्ट पर नक्सली घटना को अंजाम दिया गया। शेष नक्सलियों की गिरफ्तारी और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। जमुई से कुमार नेहरू के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिसमें कि पाउच में गोली रखी जाती है, वो बिंडोलिया बरामद हो गया। सीआरपीएफ वाला कैप की बात हुई थी, वो कैप भी मिल गया, सेम कैप मिल गया, हथियार मिला, बैटरी मिला और 3 सेट मोबाइल मिला। एक जो गेहूमन जी हैं, ये पहले भी जेल जा चुके हैं रंगदारी मांगने में, 10 लाख रुपये रंगदारी मांगे थे रोड कंपनी वाले से। इन लोगों की योजना कोई बड़ी योजना थी? सुरंग यादव नाम का नक्सली को आप लोग जानते होंगे, जो पहले सिलेंडर किया पूरा जेल में, उससे इन लोगों की मुलाकात जेल में हुई थी, उन्हीं से कहानी बना।
चौरा स्टेशन का पूरा उद्भेदन हुआ, लेकिन ये पूरी तरह से नक्सली घटना नहीं है, नक्सलियों द्वारा कराया गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ और रहस्य है, वो अभी हम नहीं बता पाएंगे, अभी हम लोग उस बिंदु पर नहीं आए हैं, लेकिन नक्सलियों का एक गुट है। ये जो लड़का गेहुमन यादव है, जो स्टेशन मास्टर को जाके धमकाया था, इसको सुनील ने 5,000 रुपया दिया, सुनील यादव। अब सुनील यादव को किसने पैसा दिया? गेहुमन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन सुनील अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अभी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।